नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास और ताजा तरीन बुलेटिन की ओर। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव आज शाम रायपुर पहुंचे। यादव 4 सितंबर तक प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। एआईसीसी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन भी आज शाम रायपुर पहुंचे। माकन कल दोपहर 12 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करेंगे। इस दौरान यादव भी उनके साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अमरकंटक प्रवास के दौरान नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने अमरकंटक के अरंडी घाट में डुबकी लगाकर स्नान किया। सीएम बघेल ने कपिलधारा सीताराम चक्रधारी बाबा आश्रम का भ्रमण भी किया, तो वहीं जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यहां से आज शाम रायपुर पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से विभिन्न विषयों पर बात की। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद पूरे नरेश्वरी जी की मानसिक स्थिति इस स्तर पर उतर आए, ये उम्मीद नहीं थी। जब हम लोग साथ थे और अर्जुन सिंह जी के साथ वो राज्य मंत्री थी तब तो ठीक ठाक थी। जगदलपुर में भाजपा के चिंतन शिविर का आज तीसरा और अंतिम दिन था। हम आपको ये बता दें कि पिछले 2 दिनों से भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं और छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं के बीच तमाम राजनीतिक बातों का मंथन चला, जिसमें आगामी समय की रणनीति तय करने के साथ राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी चर्चाएं की गईं। वहीं आज शिविर के अंतिम दिन संभागीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में वहां मौजूद बड़े नेताओं के साथ बस्तर संभाग के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। भाजपा के चिंतन शिविर में ढोल नृत्य किए जाने पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कबासी लखमा ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि चिंतन शिविर में बजने वाला ढोल बस्तर का नहीं बल्कि जशपुर क्षेत्र का था और उसे थाप देने वाले नेता भी उसी क्षेत्र से आते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने नंद कुमार साय पर सीधा निशाना साधा। लखमा ने यह भी कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में बस्तर के लिए कुछ भी नहीं किया। वरिष्ठ नेता आदिवासी नंद कुमार साय वो ढोल बजा के नाच रहा था, तो ऐसा थोड़ी होता है। बस्तर के लोगों को अपमान किया है। बस्तर में ढोल बजा नाचते हैं, गोटुल में, मेला में, मंडई में, कोई अगर मंत्री आता है तो स्वागत में नाचते हैं, लेकिन वो आलिशान बंगला के अंदर नाचते हैं क्या? कल टीवी देखी होगी आप लोग, इनको नाचने वाला भी स्वागत करने वाले आदिवासी नहीं मिला। वो भी जसपुर से जाके नंद कुमार साय बड़ा बाल वाला वो नाचवा रहे थे, इसलिए मेरे को दुख लगा है। ऐसा बड़ा आदमी को, इस उम्र के आदमी को ढोल नहीं नाचवाना चाहिए। वो ढोल भी बस्तर का ढोल नहीं था, वो जसपुर का ही ढोल था, आदमी भी जसपुर वाला है। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के लोग लंबे समय से पखांजूर को जिला बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर कई बार आंदोलन भी किया गया, बावजूद इसके अब तक इनकी मांगे नहीं मानी गई। इसी पुरानी मांग को लेकर सर्वदलीय सर्व समाज ने एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान भी बंद रहे। धरने में पखांजूर क्षेत्र के सैकड़ों गांव के लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए। तो इससे हमको जो है निजात मिलेगी। सर्वदल सर्व समाज मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से फरुलगढ़ क्षेत्र को जिला बनाया जाए, इसीलिए संघर्ष समिति तैयार हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी पखांजूर ब्लॉक संपूर्ण रूपेण सहयोग भी करेंगे और एक कैसे बने इसके लिए इनके साथ में हाथ मिलाकर काम करें। आगे की रणनीति ये जो समिति बनेगी, इस समिति के माध्यम से ही रणनीति बनेगा और जब रणनीति पूरे तरीके से बन जाएगा उसी के बाद इसका खुलासा किया जाएगा। बीजापुर के बासागुड़ा में आज हुए आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ के जवान को बेहतर उपचार के लिए रायपुर लाया गया है। घायल जवान का इलाज देवेंद्र नगर स्थित श्री नारायणा अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है।
घायल जवान का नाम शीला चंद्र बिंज है जो 168वीं बटालियन के हैं। हम आपको बता दें कि बासागुड़ा थाना इलाके में सीआरपीएफ के 168वीं बटालियन के जवान गश्त के लिए निकले थे, तभी तिम्मापुर गांव के करीब शीला चंद्र बिंज आईईडी की चपेट में आ गए। 9 महीने पहले लापता हुई रायपुर में पदस्थ एक महिला आरक्षक वृंदावन में पूजा सामग्री बेचते हुए मिली। बताया जा रहा है कि अधिकारी उसका मानसिक और शारीरिक शोषण कर रहे थे, इससे तंग आकर वो चली गई थी। जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षक अंजना सहिस महावारी नगर के एक मकान में किराए पर रहती थी। दिसंबर 2020 में वो कहीं चली गई थी। इस संबंध में महिला आरक्षक की मां ने रायगढ़ में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी, जिस पर रायगढ़ पुलिस ने मामला शून्य पर कायम कर राजेंद्र नगर थाना भेजा था। इसके बाद राजेंद्र नगर थाने की टीम ने उसे 9 महीने बाद वृंदावन में बरामद किया। हालांकि महिला आरक्षक ने वापस आने से मना कर दिया है और लिखित में देकर वृंदावन में ही रहने की बात कही। हाँ, उसमें रायगढ़ जिले से बिना नंबर ही गुम इंसान कायम होकर आया था। राजेंद्र नगर थाने में गुम इंसान दर्ज किया था, उसके पता तलाश के लिए हमारी टीम लगी थी। इसी बीच में उनके वृंदावन में होने की जानकारी मिली थी, हमारी टीम वहाँ पे गई थी और उसका कथन लेकर के उसको दस्तयाब किया है। उसने अभी वहीं पर रहने की इच्छा जाहिर की है, तो उसको चूँकि वो वयस्क है तो वहीं पर छोड़ के पुलिस टीम दस्तयाब करके आ गई है। नहीं, अभी ऐसा कोई उनके द्वारा लिखित में या ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। चूँकि गुम इंसान कायम किया गया है तो गुम इंसान की जो विधिवत औपचारिकता होती है वो पूरी की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बीते दिनों गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के ग्राम तवा डबरा के प्रवास के दौरान एक बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती ने आग्रह किया था कि जिले में आश्रम छात्रावासों को प्रारंभ किया जाए, जिस पर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद विभाग द्वारा त्वरित अमल किया गया है। ये छात्रावास आज से प्रारंभ हो गया है। इस छात्रावास की छात्राओं ने मुख्यमंत्री बघेल को इसके लिए धन्यवाद दिया है। हमारी सरस्वती बेगा है और मैं गौरेला में पढ़ती हूँ। मेरे गांव का नाम तवा डबरा है। कल जब हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे गांव में आए थे तो हमने उनसे निवेदन किया था कि हमारा छात्रावास खोल दिया जाए, हमको पढ़ाई में बहुत दिक्कत जा रही है। आज ही हमारा छात्रावास खोल दिया है, जिसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी को हमारे छात्रावास की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देश भर में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के मरीज 45,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में महज 45 नए केस सामने आए हैं। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सजग होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी इस मुद्दे पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है, तीसरी लहर के लिए भी हम लोग चौकन्ना है। हमारे सारे अधिकारी नज़र रखे हुए हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो लैंडलॉक स्टेट है और किसी भी दिशा से आ सकता है, तो उसके लिए भी नज़र रखे हुए हैं। और आ भी जाए तो उसके हम लोग तैयारी हम लोगों ने रखा, अभी सप्लीमेंट्री बजट में 900 करोड़ की उसकी भी व्यवस्था की है। तो हम लोग ने पिछले दो समय सब लोगों से, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिससे हमने सहयोग नहीं लिया, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक संगठन हो, चाहे हमारे पत्रकार हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो हमारे मितानिन हो, तो सभी लोगों के सहयोग लेकर ही पहले और दूसरी लहर की लड़ाई हमने लड़ी और हमको सफलता मिली। तीसरी लड़ाई के लिए भी हम चौकस हैं, चौकन्ना है। यदि कोई ऐसी स्थिति आएगी नहीं, ऐसी उम्मीद है, यदि आए तो हम लोग फिर से एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2025 तक भारत सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है, जबकि छत्तीसगढ़ ने 2022 तक का लक्ष्य रखा है। 2025 तक केंद्र सरकार ने एक लक्ष्य रखा है भारत को टीबी मुक्त बनाने का। राज्य सरकार ने 2022-23 को टारगेट रखा था,
और उस पर हम कायम हैं अभी कि 2022-23 तक छत्तीसगढ़ को टीबी मुक्त बनाए। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति अभी अच्छी नहीं, इसमें हमको बहुत काम करने की जरूरत है। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है, उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे हम, हर झूठ को आईना दिखाएंगे हम, पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर आपकी पैनी नजर। वीआईपी न्यूज सच का आईना, सभी OTT प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। वीआईपी न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ, बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की। वीआईपी न्यूज, हमारा लक्ष्य है खबरें, खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए सुनते हैं सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ के जो महाविद्यालयीन छात्र हैं वो जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का एक संगठन विश्वविद्यालय में जाके नगाड़े बजा रहा है, वो कह रहा है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है इसलिए आप ऑनलाइन परीक्षा लो। दरअसल ये ऑनलाइन पढ़ाई क्यों शुरू हुई, ये कोई शौकिया नहीं थी। हमारे देश में जब कोरोना आया और पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन किया गया, उसके पहले परीक्षाएं उसके तुरंत बाद होना था, पढ़ाई हो रही थी, परीक्षा की तैयारी में थे बच्चे, तो वो परीक्षा नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 19 में लोग पढ़ रहे थे जिसकी परीक्षा 20 में होनी थी वो परीक्षा नहीं हुई, 21 की परीक्षा नहीं हुई। और अब धीरे धीरे जब से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है और ये महसूस किया गया कि ये जितने ऑनलाइन पढ़ाई का ढिंढोरा पीटा गया हो या बाजार जिस तरह से मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस की और बहुत सारे ऐप की सिफारिश कर रहा है, पर लोगों ने ये महसूस कर लिया कि बिना गुरुकुल जाए, गुरु की शरण में जाए, शिक्षा नहीं हो सकती, शिक्षा दूर से नहीं हो सकती, दूर की शिक्षा मजबूरी में हो सकती। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ाई थी ये मजबूरी की थी, अब इस मजबूरी को लोग समझ रहे हैं कि ये नियति बन जाए और आपने चूंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाया है इसलिए आप ऑनलाइन हमारी परीक्षा लो। ऑनलाइन परीक्षा का मतलब है कि हम घर में बैठ के जो चाहे लिखें, तो उसका दुष्परिणाम हमने देखा कि अभी जो रिजल्ट आए, जब कॉलेजों में एडमिशन की बात आई तो 95% से ऊपर परसेंटेज गया छात्रों के रिजल्ट का। अब सारे के सारे कंपटीशन हो रहा है कि किसको रखें किसको हटाएं, तो सारे बच्चे 95% से ऊपर ले आए, कभी नहीं हुआ छात्र इतिहास में, परीक्षा के इतिहास में इतने बच्चे कभी 95% से अधिक नहीं लाए। इसका मतलब हुआ कि लोगों ने घर में बैठ के लिखा। अब स्कूल की शुरुआत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि 6 सितंबर से 6वीं 7वीं 9वीं 11वीं की कक्षाएं वो लगाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। जो आवासीय हॉस्टल है वो भी खोल रहे हैं और ये क्लासें चालू होगी। दरअसल आवासीय हॉस्टल खोलने के पीछे है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं अधिकांश उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गाँव के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास में उनको मध्याह्न भोजन के लोभ में वो स्कूल आते हैं या रहने की व्यवस्था इसलिए आते हैं। अब वो बच्चे घर में बहुत परेशान थे, ना तो उनके पास कोई मोबाइल ऐप है, ना वहाँ नेट की कोई कनेक्टिविटी है, और जिस तरह की ऑनलाइन क्लासें हो रही थी वो एक औपचारिकता से उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा था तो गरीब और गाँव के बच्चे थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं 11वीं ये क्लासें वो लगाएगी। तो करीब 17 महीने से ये स्कूल पूरी तरह से बंद थे जो अब प्रारंभ होने जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर जब परीक्षा की बात आ रही है तो छात्र संगठन कह रहे हैं कि नहीं, आपने ऑनलाइन पढ़ाया तो आप ऑफलाइन परीक्षा नहीं ले सकते। तो दरअसल ये बात कहीं ऑफलाइन की डर क्या है कि आपने 2 महीने केवल ऑफलाइन पढ़ाया तो आप
ऑनलाइन परीक्षा लीजिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा ये है कि आप हमको जनरल प्रमोशन दे दीजिए या आप हमको घर में कापी लिखने का मौका दे दीजिए। ये बच्चे शायद कॉलेज के नहीं जानते कि अब इनको कॉम्पिटिशन में जाना है। नौकरी में सारी नौकरियाँ अभी जो हो रही है उसकी परीक्षा हो रही है, अभी PSC की परीक्षा हुई, सारी परीक्षा हो रही है। अगर ये इसी तरह पास होते रहे तो ये भविष्य में इनका क्या होने वाला, ये खुद इनके माता पिता ये सोच के चिंतित हैं, शिक्षाविद ये सोच के चिंतित हैं। इसलिए अब जो स्कूल तो खुल रहे हैं पर कॉलेज भी खुले हैं, पर परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर झगड़ा बना हुआ है। रविशंकर विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, वहाँ अलग अलग तरह की बात हो रही है, वो अपने से पल्ला झाड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने प्रस्ताव भेजा है, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कुछ लोग को डर लग रहा है कि तीसरी लहर आ जाएगी तो स्कूल क्या सावधानी बरतेंगे कि नहीं बरतेंगे। तो पहले ये हुआ कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएँ, शिक्षक और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी किया गया और अमूमन अधिकांश लोगों ने वैक्सीन लगा भी लिया है। स्कूलों को सैनिटाइज करने की कवायद भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, पर कोरोना इस समय छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर है। सजगता जरूरी है, पर अब ये सब महसूस कर रहे हैं। शिक्षा सचिव भी अपने एक बातचीत में कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन परीक्षा थी उसमें चाहे हमारे 32 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हों या जितने हों, पर वो परीक्षा उस तरह का पढ़ाई उस तरह की नहीं है जिस तरह स्कूल में होती है। स्कूल में हम मिलते हैं तो केवल हम पढ़ते नहीं हैं, वहाँ एक गर्मजोशी होती है, दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, टीचर से रूबरू होते हैं, एक माहौल होता है, एक सामूहिकता होती है। वो सामूहिकता कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास से गायब है, बच्चे उसमें ऊँघ रहे हैं या नेटवर्क नहीं आ रहा है। एक औपचारिकता हो रही थी, अब ये औपचारिकता टूटने जा रही है। स्कूलों में अब पहले जैसी हलचल होगी, पहले जैसी गर्मजोशी होगी, दोस्त मिलेंगे, थोड़ी सावधानी जरूर होगी, पर मुझे लगता है देर से ही सही, स्कूल खुलना अच्छी बात है और परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा जो बच्चे ये बात की जिद कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा ना लेके ऑनलाइन ले, उनको भी समझना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कोई व्यवस्था जो मजबूरी में व्यवस्थावश लागू की गई थी उसको अनिवार्यता बना के यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा। इसमें विश्वविद्यालय को भी छात्रों को भरोसे में लेना पड़ेगा, जो छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये परीक्षा जो पद्धति है वो क्या होगी, क्योंकि अभी इसको लेकर एक प्रकार का वो आपो बना हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में 17 महीने बाद आज से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगने लगी हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए एक ही दिन आदेश जारी किया था। आदेश की जानकारी, सभी स्कूलों में तय समय पर नहीं पहुंच पाने से स्कूलों में मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं पहुंच पाए। इसके बारे में जानकारी आई है कि 6 तारीख से स्कूल खोलना है सब क्लासों का, तो उसमें ये है कि पहले पालकों की एक मीटिंग बुला रहे हैं हम लोग 4 तारीख को, उसमें पालकों से बातचीत होगी, फिर वो अपना एक कंसल देंगे, सहमति पत्र, फिर उसके आधार पर बच्चों को 50-50 करके बुलाना है। इसमें भाई गाइडलाइंस वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र स्कूल के तरफ से प्रोवाइड होगा, जितना जो जो हम दे सकते हैं स्कूल से वो देंगे, और 50% बुलाना है। 50% ही बुलाना। हाँ, पालक उत्सुक है भेजने के लिए, पालक चाहते हैं, अब मीटिंग में भी बता देंगे वो लोग, अपनी सहमति दे देंगे, हम लोग सहमति वगैरह ले करके फिर ये काम चालू कर, बाकी बच्चों का चालू हुआ 10, जैसे बोर्ड क्लास का पहले से चालू 10वीं का, 12वीं का, तो वो क्लासेस तो चल ही रही है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे कम ही आ रहे हैं जितने आ रहे हैं, बाकी वही पारी पारी से 50% के हिसाब से हमने बुलाया उनको। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजापुर में आज माओवादी द्वारा किए गए IED ब्लास्ट की चपेट में आकर CRPF का एक जवान घायल हो गया। घायल जवान का नाम शीला चंद मिंज है। ये घटना आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर तिम्मापुर में हुई। मिली जानकारी के अनुसार जवानों की एक पार्टी रोड ओपनिंग के लिए निकली थी, उसी दौरान नक्सलियों द्वारा लगाई गई IED की चपेट में एक जवान आ गया। फिलहाल घायल जवान का बासामुड़ा में प्राथमिक इलाज चल रहा है, जबकि इलाके में अब भी सर्चिंग जारी है। इस घटना की पुष्टि SP कमलोचन कश्यप ने दी है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए राजधानी रायपुर के कोविड अस्पतालों में 6 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। ये प्लांट पंडरी जिला अस्पताल, डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल, आयुष यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद कॉलेज, माना सिविल अस्पताल और रायपुर एम्स में बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर में स्थापित किया गया है। ये प्लांट प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता रखता है। यही नहीं, राजधानी के आउटर और जिले को मिलाकर अगले 15 दिनों में 12 प्लांट और तैयार किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखकर ऑक्सीजन की सप्लाई व्यवस्था को लगातार सुधारा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। पूरे राज्य में 112 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की योजना है, जिनमें से 31 स्थापित हो चुके हैं और कार्यरत हैं। 40 संयंत्रों की 15 सितंबर तक चालू कर लिया जाएगा और शेष 41 संयंत्रों को 30 सितंबर तक के प्रारंभ कर लिया जाएगा। शासन का प्रयास यह है कि ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी ना होने पाए। मोबिनपुरा इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद दो युवकों ने राजधानी के वरिष्ठ पत्रकार पर तलवार से हमला कर दिया है। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। हालांकि घटना में पत्रकारों को चोट नहीं आई, लेकिन उनकी कार के सामने का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पत्रकार की शिकायत पर आजाद चौक पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ मारपीट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के केस दर्ज कर देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जब पत्रकार ताहिर हैदरी अपनी कार को पार्क कर रहे थे, इसी दौरान दो भाइयों अशरफ खान और नासिर खान ने उनसे विवाद किया और उन पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। इस बीच ताहिर अपनी जान बचाकर मौके से भागे तो आरोपियों ने तलवार के मूंट से उनकी कार को डैमेज कर दिया। आजाद चौक थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है गया है। पार्किंग को लेकर कुछ विवाद था तो उसके दो आरोपियों ने उनके गाड़ी का शीशा वीशा भी तोड़ दिया और कुछ तलवार वगैरह ऐसा लेके आए थे, तो उसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आर्म्स एक्ट का और अन्य धाराओं का दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। नहीं, ऐसी कोई चोट पहुँचाई नहीं गई है, केवल हाथ मुख से मारपीट हुआ था और तलवार दिखाया गया। अब बात करते हैं जांजगीर जिले से जुड़ी खबर की। जांजगीर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर खैरा गांव है। यहां आने के लिए भड़ेसर गांव तक चमचमाती सड़क है, लेकिन भड़ेसर से महज 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यहां के लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की माने तो गांव में कोई गंभीर रूप से यदि बीमार पड़ जाए तो उसे खाट में उठाकर सड़क तक लाना पड़ता है और स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नाले में बने अधूरे पिल्लर में लकड़ी के गोले के सहारे नाला पार करना पड़ता है। रोड नहीं बनने के कारण मतलब निजी जमीन पड़े किसान मन के, वो मैं देना नहीं चाहते। अब पूरा भाटा पारा है, 75% बीजा कब्जे में घर मकान बनाए गए है, तो हमन कहाँ से मतलब कर सकत हन सरपंच है भाई, हमारे पावर तो है ही नहीं कि ककरो निजी जमीन निकाल ली, इस कारण से यहाँ रोड नहीं बन पाता। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी के अंबार लगे हुए है, हमन ल कहूँ कि रास्ता है ही नहीं है। बस्ती जावा एक ठो नाला भी पड़ जाते, बस्ती बढ़िया है, वहाँ रोड भी आ गए है भड़ेसर तक हमन ल, लेकिन नाला पूरा आते तो पूरा तरीका से हमन चारों तरफ ले घेरा जाता। चारों तरफ मतलब कोई रोड नाम के चीज़ें नहीं है, हमन लब बहुत ज़्यादा परेशानी है। जे कम सीरियस रहते तेला तो असने ले जाता हम, और जे ज़्यादा सीरियस रहते तेला खाट के सहारा से ही हमन ले जाए लाने ले जाए ब्लॉक थे। अभिनट फिल्म एवं नाट्य फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा रायपुर शहर के रंग मंदिर में अभिनट रंग स्मरण हबीब तनवीर 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हबीब साहब और उनका रंगमंच विषय पर गोष्ठी की गई। कार्यक्रम के दौरान अभिनट रंगधुनी हबीब तनवीर सम्मान 2021 से वरिष्ठ रंगकर्मी मिर्जा मसूद को नवाजा गया। हबीब तनवीर से जुड़े स्मरण को मंच से फिल्म अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा और फिल्म अभिनेता संजय बत्रा, जलील रिजवी, वाहिद शरीफ, राहुल सिंह, रंगकर्मी जयप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ उद्घोषक विविध भारती कमल शर्मा और आज की जनधारा के प्रधान संपादक सुभाष मिश्र ने साझा किया। हबीब साहब के पास एक समझ थी और उस समझ के साथ उन्होंने देखा कि उन्होंने प्रयोग भी किए और उनको समझ में आया कि मैं कुछ अपनी जमीन और अपनी बोली भाषा के साथ, उन्होंने हिंदी में जब अपने कलाकारों से छत्तीसगढ़ी कलाकारों से अभिनय कराया तो वो सफल नहीं हुई,
फिर उनको लगा कि ये गड़बड़ी कहां है, तो वो समझ गए कि मैं उन्होंने अपने को फिर करेक्ट किया और नया थिएटर जिस तरह से आगे बढ़ा उसकी बात हो सकता है। कुछ लोगों की व्यावसायिक मजबूरी होती है, कुछ लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है, हम दोनों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस मंच पर आज हम ये प्रण करें कि कला को दरबारी नहीं बनने दें। एक बहुत अजीब नाम है हबीब तनवीर, और उनके नाम पर किसी को सम्मानित किया गया तो उसकी अजहद खुशी, उसकी बेहद खुशी तो मुझे है। फ़कीर की झोली होती है और उसमें पता नहीं लगता कि किसके किसके सिक्के आए हैं, उसी तरह से हमारा है कि बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा है। हबीब तनवीर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हबीब तनवीर ने एक लोक शैली दिया है, नाट्य विधा को एक लोक शैली दिया उन्होंने, एक ऐसा फॉर्म जहाँ की लोक गीत, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कलाकार शामिल हुए, मंच रंगमंच पे आए, रंगमंच पे उठाकर गांव से और आदिवासियों को लाके रखना और मेन स्ट्रीम में प्रस्तुत करना, ये हबीब तनवीर साहब ने किया है। ये तो संस्कृति को आगे बढ़ाना हुआ, अपने समाज को आगे बढ़ाना हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। आज तो एक दूसरे का पैर ही खींच रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, नहीं, अपने बड़ों से उन्होंने क्या किया है समाज के लिए, क्या योगदान रहा है, ये सीखना चाहिए। अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो रंगकर्म बहुत आगे बढ़ सकता है, और मैं तो ये मांग करता हूँ कि रंगमंच के लिए एक अलग मंत्रालय हो। संस्कृति के साथ क्यों जोड़ के रखा है रंगमंच को? रंग कर्म वो विधा है जो संस्कृति को जीवित करता है। जशपुर जिले के कुनकुरी क्षेत्र में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले हजारों किसानों की समस्या दूर करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्थक पहल की है। यहां समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को भुगतान की समस्या को दूर करने के लिए अब कुनकुरी में भी राज्य सहकारी बैंक खोलने की मंजूरी मिल गई है। संसदीय सचिव यूडी मिंज ने कहा है कि कुनकुरी, दुलदुला और फरस बहार विकास खंड में अपेक्स बैंक के अभाव के चलते इस अंचल के हजारों किसानों को धान बेचने के बाद 100 से 150 किलोमीटर दूर चक्कर लगाना पड़ता था। किसानों की इस समस्या पर पूर्व में मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया गया था। मुख्यमंत्री ने किसानों की वर्षों पुरानी इस जटिल समस्या के लिए तत्परता से कार्रवाई की है, जिसके फलस्वरूप कुनकुरी में अपेक्स बैंक खोले जाने की सौगात अब मिल गई है। गौरतलब है कि इसके पहले कुनकुरी, दुलदुला, बागीचा और फरस बहार विकास खंड में अपेक्स बैंक के अभाव के चलते अंचल के हजारों किसानों को धान बेचने के बाद भुगतान के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। विधायक बनते ही मैंने इस ओर पहल चालू कर दिया था, और हमारी सरकार, आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार, लगातार किसानों के लिए छोटी छोटी मांगों को लेकर, उनकी सोच को लेकर के काम कर रही है। और मैं भी यहाँ कुनकुरी में देखता था कि किसानों की बहुत समस्याएं थी, और जब भी वो धान बेचते थे तो अपेक्स बैंक जशपुर में है ब्रांच, वहाँ जाना पड़ता था, 150 किलोमीटर लगभग पड़ता सुदूर क्षेत्र से वहाँ तक पहुँचने में, और बहुत सी परेशानियाँ होती थी, और जल्दी खुल जाना था लेकिन अपेक्स बैंक में लगातार कुछ जानकारियाँ अधूरी पहुँच पाती थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। और मैं सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। एक परेशानी, बहुत कष्ट है, हम लोग को जशपुर जाना पड़ता था और जा रहे हैं, 3 दिनों से वहां लाइन लगते हैं, किराए में वहां सोना पड़ता है, इसलिए अब जो है हमारे माननीय उडी मिंच संसदीय सचिव, जो अपेक्स बैंक जो हमारे ग्रामीण कुनकुरी अंचल में अगर ले आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। बैंक जे हमर विधायक साहब लानत है और खोल देते हैं पब्लिक लागी, तो बहुत खुशी ही हमें, और सुविधा हमके हमर सामने है मिल जाता है, सब चीज़ हमर बन जाता है। तो वीआईपी न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वीआईपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।